इस वीडियो में डिस्क्लेमर यही है कि आज हम लोग ब्लॉगर्स के फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो किसी को हेट देने के लिए नहीं है, इसलिए कीप स्माइलिंग। तो क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ में? अभी सो के उठाऊं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान की क्रिश ब्लॉगर की। हाँ हाँ, मैं डक्की की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे मास सफदर की। ये दोस्तों, एक होता है फैमिली का कॉन्टेंट बनाना, इन्होंने तो फैमिली को कॉन्टेंट बना लिया है। बात तो सही कह रहा है। आम घरों में अगर बच्चे पैदा हो जाए तो डॉक्टर बहुत बहुत मुबारक देते हैं कि आपके यहाँ बेटी या बेटा हुआ है। वही बच्चा इनके घर पैदा हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं मुबारक को, आपको कंटेंट हुआ है। ये तो कंटेंट है। चौने पर माँ बाप कहते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, ये कहते हैं कि हमारा बेटा कंटेंट बनेगा, वो भी हमारे लिए। माँ बाप मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पालते हैं और यहाँ पर बच्चे इनको पाल रहे हैं। यार मैं तुम्हें डेली व्लॉगर्स के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। वैसे तो यूट्यूब पर सारे डेली व्लॉगर्स बुरे नहीं होते, बस सिर्फ बुरे वही होते हैं जो डेली व्लॉग करते हैं। फिर यही बात तो वही हो जाती है ना कि टॉयलेट सोने के बाद भी आप खुले में आ गए हो। इससे कोई भिड़े मत, मेरी जान है। लेकिन यार एक सेकंड, ये तो मूत्र है। यार एक मिनट के लिए तो खैर वाली बात भी हो गई। यार ये कंटेंट नहीं होता कि अपने भाइयों के उल्टे सीधे नाम रख कर कहो कि मदद भाई, दमादद भाई, क्या कर रहे हो? नाश्ता कर रहा हूँ। अबे हर कोई सुबह उठ के नाश्ता ही करता है। आ चुके नाश्ता, फटाफट से करते हैं नाश्ता। यार नाश्ते से पहले आपके दमादस भैया एक काम और कर चुके हैं, वो काम जो सुबह सुबह पूरे दिन कैमरे उठा के करते रहते हो, हगना। वैसे तो तुम शुक्र करो कि बोल था बोल की वजह से पॉपुलर हो गए, मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स मिल गए। सही, पहले भाई सब टिकटॉक करते हो, टिकटॉक से बोल पे गए, और अभी भाई सब कहते हैं कि मेरे को टिकटॉकर मत कहो, टिकटॉक से मेरा कोई लेना नहीं है। ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। पहले टिकटॉक से फैमिली और अभी इनको टिकटॉक बुरा लगता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। और यही हाल सब टिकटॉकर का है। इनको अगर टिकटॉकर कह दो तो कहेंगे नहीं जी नहीं, हम तो यूट्यूबर हैं। ये बोल न्यूज ने भी सही से एरो गेरो को फेमस कर दिया है। तो बोल वालों तुम लोग भी ना, तुम लोग ऐसा मत करा करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा ट्राई करो यार। एक बोल वालों की क्लिप है फनी सी, अब वो देखते हैं जरा। इसकी पप्पा को किसने बद्दुआ दी? क्या क्या? कि पप्पा मर जाए। मोहल्ले के 7-8 आदमी मर गए। अरे इसने मजे की बात तो बोली नहीं, ये भी उसी पप्पा की बेटी थी। और अभी इन भाई ने रोना डाला है कुछ दिनों से कि मेरे पर्सनल लाइफ में लोग उंगली कर रहे हैं। भाई जब पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ रखोगे ना, तभी पर्सनल लाइफ रहेगी, और जब तुम पर्सनल लाइफ को पूरा खोल के दुनिया के सामने रख दोगे तो खाक पर्सनल रहेगी। पर्सनल लाइफ। एंड डिस्क्लेमर, अगर आपको अपने फेवरेट यूट्यूबर के बारे में ये सब बातें नहीं सुननी तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो अभी भी। हाँ, लाइक करके जरूर जाना। ये चीज नहीं पता कि ये कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बाप का बच्चा जब बड़ा होगा तो वो देखेगा मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है, वो देखेगा ये कैसा क्रिंज कंटेंट बनाने वाला काम है। लानत भेजो उसे काम और पेशे में जिसमें मेरे माँ बाप ने मेरी प्राइवेसी का लिहाज नहीं किया। यार ये तो मेरी मां है यार। लोगों ने इसके बच्चे को गंदी गालियां निकाली, उन्होंने घटिया काम हायर कराई, लेकिन लोग गालियां निकाल नहीं रहे, आप उनको गालियां निकलवा रहे हो। ऐसे कहीं पर भी नहीं होता मेरे प्यारे भाई, लोग आपकी वीडियो देखने आएंगे और आपको डायरेक्ट कमेंट में गाली लिख के चले जाएंगे। ये चीज आप गलत बता रहे हो, आप अपने बच्चे को खुद जलील करवा रहे हो। लव व्लॉग में ना आएंगी गालियां आपके कमेंट में, लेकिन नहीं ना यार, व्लॉग में तो लाना पड़ेगा। व्लॉग में नहीं लाएंगे तो रीच कैसे मिलेगी? बड़ी सी फोटो लगाकर थंबनेल में चिपकाएंगे तब भी तो रीच मिलेगी ना। यार सच्ची बता रहा हूँ, इस चीज से बहुत लोग हाइपर होते हैं। जान के बदले जान जाएगी। ये सब अपने व्लॉग में बोलते तो हैं कि हम दिखावा नहीं करते, लेकिन यार सबसे बड़ा दिखावा वही होता है। जब यहाँ जा रहे हैं, आज हम मेरे बेटे ने ये कर दिया, मेरे बेटे को पोटी नहीं आई, मेरे को डट्टी नहीं आई, मेरी आके साफ कर दे, कौन सा तीर मारा। सबसे बड़ा दिखावा यही होता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जब आपका बच्चा बड़ा होकर ये सारी चीजें देखेगा ना, तो वो लोगों को बुरा नहीं बोलेगा, आपको ही बुरा बोलेगा। आपने मुझे अपने व्यूज के लिए इस्तेमाल किया है। जो जो आपको अपने कमेंट में गालियां दे रहा है आपकी वीडियोस के, वो आपके अपने ही लोग हैं, यानी कि आपके सब्सक्राइबर्स। अब उन्हें आपका क्रिंज कंटेंट लग रहा है तो टेक इट इजी ब्रो, मत बनाओ क्रिंज कंटेंट। गालियों के हक में रहकर बात नहीं कर रहा हूँ, माना 1-2 साल का बच्चा है, गालियां नहीं बकनी चाहिए उसको। यही होता है जब बंदा क्रिंज कंटेंट बना बना के फेमस हो जाता है। भाई सब का हाल ये है कि बच्चे के फौरन बाद वाली फोटो अपने थंबनेल पे लगाई और अपने इमोशंस को भी बेच डाला, ये वीडियो डालने के बाद भी ये भाई सब कुछ ये कह रहे हैं हमारे बच्चे को तो ट्रोल किया जा रहा है, ये तो भी 1 साल का भी नहीं हुआ, सब लोग ऐसा कह रहे हैं। यार इस बात की समझ आपको नहीं चाहिए कि जो बच्चा सुन और समझ भी नहीं सकता उसको आप यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। बात ये करते हैं कि हमारा 1-2 साल का बच्चा इसको इतना ट्रोल कर रहे हैं। 1.5-2 साल वाली बात तब याद रखनी थी ना, जब टाइटल में ये लिख रहे थे बासिल ने 1 घंटे का रोजा रखा।
बताओ ये क्या है? है ये सब काम कर रहे हो तभी तो आपको इतनी गालियाँ पड़ रही है, वो भी आपके अपने लोगों से गालियाँ पड़ रही है। दो बंदे आपके डेली व्लॉग्स देखते हैं, उन्हीं ने आपके बच्चे को गालियाँ बकी हैं, यानी कि आपकी कीती पीती ऑडियंस। क्या बात कर रहे हैं? अभी भाई साहब ने एक और उन्होंने और डाला हुआ है कि मीमर सिंह को ट्रोल कर रहे हैं और गालियाँ बक रहे हैं। मुझे भी बताओ ना और मुझे भी दिखाओ ना कि कौन लोग हैं जो आपको ट्रोल कर रहे हो, कौन मीमर से जो आपको गालियाँ बक रहे हैं। जो सभी सारे काम कर रहा है आपके साथ वो आपकी खुद की ऑडियंस है। मतलब मेरे ऐसा बंदा कोई इनको सही चीज बता दे तो मतलब इनको वो चीज गाली लगती है। यार मैंने फेसबुक पे बहुत सारी पोस्ट और वीडियोस देखी हैं जिनके नीचे कमेंट में 90% लोगों ने अपनी वैलिड पॉइंट्स दिए हैं। एवी रोना डाला हुआ है कि आपको मीमर्स गालियां बक रहे और ट्रोल कर रहे हैं। और यार जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कंटेंट नहीं होता कि हमारे बच्चे ने आज पहली दफा रोजा रखा, एक घंटे का रोजा रखा, हमारे बच्चे ने ये कर दिया, हमारे बच्चे ने हक दिया, देखो कितनी प्यारी पोटी की हमारे बच्चे ने, हमारे बच्चे ने पापा पापा बोलना सीख गए और आते आते आदमी को पापा बोलता रहता है। अगर कोई सही बंदा इनको आके बोल दे कि तुम लोग ये सब कर रहे हो तो इनके पास एक ही चीज रहती है कि लोग हमसे जेलिस हो रहे हैं। लोग तुमसे क्यों जेलिस होंगे, तुम लोग कोई अनोखा काम करते हो क्या? और फिर तभी इनको इखलाकियत याद आ जाती है। इखलाकियत की बात तो तुम ना ही करो, जो बंदा व्यूज अपने बच्ची और बीवी के नाम से ले रहा है उसको क्या इखलाकियत का खास पता होगा? बेटा तो शुक्र ही कर तेरा सिक्का चल गया है। व्लॉग में सुबह नाश्ते से लेके टट्टी तक सब दिखाया जाता है, फिर भी ये कहते हैं कि हम दिखावा नहीं करते। अरे बाप रे ये तो धोती खोल गया। वैसे मेरा भी एक दोस्त जो डेली व्लॉग बनाता है वो भी डेली व्लॉगर ही है, जरा सा इंटरव्यू ले लेते हैं उसका। हाँ जी, तो वेलकम हो गया आपका हमारे शो पर। मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे वो ये है कि डेली व्लॉगर हैं आप, डेली व्लॉग बनाते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आप मोहल्ले के अंकल को अपने अब्बू बनाकर स्कूल ले गए हो और टीचर ने कहा हो कि आपकी शक्ल तो बिल्कुल आपके वालिद में गई है? यार मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके टीचर ने कहा हो कभी आपकी शक्ल आपके बिल्कुल वालिद में गई है। देखिए ये जब ने कहने ये बदतमीजी है, देखिए मैं चोर चोर के चले जाऊंगा कहने की ये चोर चोर के चला गया, देखिए ये बदतमीज है। अच्छा अच्छा चले, हम नाराज ना हुए आपसे, हम एक और सवाल करते हैं। अच्छा आपको कब महसूस हुआ कि आपको शादी करनी चाहिए? यूजुअली तो आम कर लेती है शादी आम उम्र में, आपको क्या महसूस हुआ कि शादी करनी चाहिए? यूट्यूब पर रीच कम थी, व्यूज की कमी थी कि अब शादी होगी या फिर बेबी आएगी तब ने लगाऊंगा, व्यूज का बहुत चार आ जाएगा मेरे पास, मतलब क्या हुआ क्या वजह? हम ज्यादा जिंदगी की बात कर रहे हैं, अगर ज्यादा जिंदगी की बात होगी तो मैं चोर चोर के जा रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपकी जाती जिंदगी में बात नहीं करता हूँ। अच्छा चलिए ये बताएं खुद तब कैसा लगता है कि आपकी वाइफ के बारे में जब लोग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कमेंट्स में कि ये लाइक से हो रहे थे, मतलब गालियां बकरे होते हैं आपके बीवी और बच्चों को, बारे में आपका क्या कहना है? देखिए लोगों का तो काम है कहना, तो वही गटियां गटियां बात तो करते हैं ना, मेरे को थोड़ा बुरा लगता है सब चीजें पढ़कर देखकर। मैं जब देखता हूँ कि अपनी वीडियो में रिवेन्यू ज्यादा आ रहा है, व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, रीच बढ़ रही है, अपने आपको ठंडा पानी पी के थोड़ा ठंडा कर लेता हूँ। कोई नहीं यार, रिव्यूज तो आ रहे ना जी, लोगों को तो काम ही बोलना है, क्या खैर होती है यार? मतलब कभी अंदर से आवाज आई हो बदले, यार आप कितने घटिया इंसान है, यार कितने घटिया इंसान है आप, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, मेरे को निकलना यार ये, मैं जा रहा हूँ। बात तो सुने, मेरी बात तो सुन ले, कहीं वही घटिया बात करनी होगी कोई। हाँ तो यार मैं ये कह रहा था कि आप अगर अगली दफा शो में आए तो एक चीज को लाना मत भूलिएगा। क्या क्या? अपनी फैमिली को। हाँ तो यार बहुत हो गया वीडियो में यार आज के लिए, बहुत हो गया। हाँ तो यार वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। आई 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 होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, यार जरूर पसंद आई होगी क्योंकि बहुत मेहनत लगी है कसम से, मुझे पक्का पता। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो यार वीडियो को लाइक करके जाया करो ना यार, बहुत मेहनत लगी है बहुत। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार ऐसी मजेदार वीडियोस और देखने के लिए। यार इस वीडियो को बनाने में मेरे को कम से कम 7 दिन या फिर 8 दिन लगे, तो यार इस वीडियो की मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है। चलो मिलेंगे ऐसी अगली मजेदार वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। बहुत 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 मजा आएगा, बहुत 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 मुझे बहुत।